ग्रंथों में बताए गए कुछ श्लोक और दोहे ऐसे हैं जो किसी का भी सोचने व समझने का नजरिया बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक दोहों और श्लोकों को। गीता से त्रिविद्वान नरक से द्वंद्वारण नाश नमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्र काम क्रोध और लालच यानी लोभ ये तीन तरह के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं। ये तीनों ही इंसान को बुरी गति में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। गीता से तस्माद्य से महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इसलिए हे महाबाहो जिस इंसान की इंद्रियां व इंद्रियों के विषय उसके वश में है उसी की बुद्धि स्थिर है। कबीर के दोहों से बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी हे तराजू तौली के तब मुक्त बाहर आनी जिसे बोल का महत्व पता है वे बिना शब्दों को तोले नहीं बोलता। कहते हैं कि कमान से छुट्टा तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते इसलिए इन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीवन में वक्त बीत जाता है पर शब्दों के बाण जीवन को रोक देते हैं इसलिए वाणी में नियंत्रण और मिठास का होना जरूरी है। कबीर के दोहों से इनका कब होना निंदय जो पांव तले होए कब उड़ांख हो पड़े पीर घानेरी होए। कबीर दास कहते हैं जैसे धरती पर पड़ा तिनका आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाता लेकिन जब वही तिनका उड़कर आंख में चला जाए तो बहुत कष्टदायी हो जाता है। यानी जीवन में किसी को भी तुच्छ या कमजोर समझने की गलती न करे। जीवन में कब कौन क्या कर जाए कहा नहीं जा सकता। सुभाषित सुभाषतानी से अल्पान्मत वस्तु नाम सनेति कार्य साधिका बंध्यते मतदंतिन छोटी छोटी चीजों का सही मेल और इस्तेमाल भी महान कामों को पूरा करने में सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पर घास फूस से बनी छड़ी से शक्तिशाली हाथी को नियंत्रित किया जाता है और वह बंधन में आ जाता है। तुलसी के दोहों से तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक सह सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में यानी मुश्किल वक्त में ये चीजें मनुष्य का साथ देती है। ज्ञान विनम्रता पूर्वक व्यवहार विवेक साहस अच्छे कर्म आपका सत्य और राम भगवान का नाम